यमुना नदी के किनारे एक गांव था रतनपुर। उस गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल बहुत ही अजीब थी। एक दिन, मुनिया के बापू, जल्दी अंदर आइए। सुरेश अभी नींद में था, चिल्ला कर बोला, क्या हुआ, गला क्यों फाड़ रही हो? ये देखो। अरे ये कैसे हुआ? मुनिया क्या हुआ बेटा? उससे क्या पूछ रहे हैं, बेचारी तभी से डरी सहमी हुई है। लेकिन ये तो कोई गंभीर बीमारी लगती है। हाँ, देखो तो, बेचारी की चुटिया ही काट ली किसी ने। राम राम। लेकिन एक भी बाल आसपास नहीं दिख रहा। हाँ, ये हुआ क्या समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे ही दो चार दिन मुनिया को देखने और सांत्वना देने वाले भी आए। अब कुछ शांति हुई ही थी कि एक दिन क्या हुआ रामू, तू हंस क्यों रहा है? अरे गागा वो के बच्चे कुछ बता भी। रूपा काकी की चुटिया कट गई है? हाँ, और मुन्ने भी। अच्छा, पर काहे? आप भी पूछ लो। चल कर देखता हूँ। का हुआ मुन्नी, ये का हल्ला मचा हुआ है? तभी मुन्नी बाहर आती है। ये का सुन रहा हूँ, कैसे हुआ सब? अरे का बताएं चच्चा, रात में रोज की तरह खा पी के सोए और सुबह देखे तो। अरे राम राम, पहले तो मुझे लगा कोई बीमारी है, लेकिन ये तो लगता है पक्का किसी डायन या चुड़ैल का काम है। अब तो रतनपुर में ये औरतों की चोटी काटे जाने वाली खबरें आम हो गई। अगले ही दिन, सरिता आज बहुत गर्मी है, मेरा बिस्तर बाहर लगा देना। जी ठीक है। सरिता ने रमेश का बिस्तर बाहर और अपना और चुनिया का आंगन में लगा लिया। रात में रमेश को प्यास लगती है। बड़ी प्यास लगी है, लगता है सरिता ने पानी नहीं रखा। कोई नहीं, खुद ही ले लेता हूँ। अंदर जाने पर वो देखता है कि सरिता के बिस्तर के सिरहाने चुड़ैल खड़ी है। वो एक हाथ से सरिता की चोटी पकड़े हुए है और चाकू से उसकी चोटी काट रही है। वो जोर से चिल्लाया, चुड़ैल बचाओ, बचाओ चुड़ैल। सरिता और चुनिया उठ गए, गांव वाले भी फौरन आ गए। देखते हैं चुड़ैल हाथ में सरिता की चोटी लिए खड़ी है। भीड़ देखकर वो हंसते हुए बोली, आते आते बहुत देर कर दी। सरिता तो डर के मारे बेहोश हो गई, पर बाल तो जा ही चुके थे। अरे आखिर चाहती क्या हो? पर चुड़ैल उनकी बात अनसुनी करके सरिता की चोटी घुमाते हुए सबकी आंखों के सामने गायब हो गई। चोटी वाली चुड़ैल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और गांव में बातें चलने लगी। मुनवा, सुना है कल तेरी भाभी की भी चोटी चुड़ैल ले गई? हाँ हाँ, उन्हीं के घर मिलने जा रहा हूँ। वैसे तो ठीक ही रहा, कम से कम अब सर पर पल्लू तो टिकेगा। ये बात सही कही आपने। इतना कह के दोनों वहां से चले गए। इसी तरह चुड़ैल का डर सारे गांव में बढ़ता गया और लोग घर छोड़कर वहां से जाने लगे। तभी कुछ गांव के लोग आपस में बात करने लगे, क्यों ना सरपंच जी के पास चले? हाँ, सरपंच जी ने दुनिया देखी है, कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही निकालेंगे। हाँ हाँ चलो।
और सभी गांव वाले सरपंच जी के घर पहुंच गए। समस्या सुनकर सरपंच ने कहा, समस्या तो सच में गंभीर है, मेरी अम्मा की भी है। आपके यहाँ भी? हाँ, अब क्या करें, चुड़ैल पर किसी का वश है क्या? कोई तो उपाय होगा सरपंच जी, इसके लिए किसी ओझा से मिलकर बात करनी होगी। तभी मदन बोलता है, अगर हमें अपने गांव से इस चुड़ैल का साया हटाना है तो हमें उसकी चोटी काटनी पड़ेगी। मेरी नानी ने मुझे बताया था कि हर चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है। अगर हम किसी तरह उसकी चोटी काटने में सफल हो गए तो उससे अपना गांव छुटकारा पा जाएगा। बताओ कौन जाएगा चुड़ैल के पास, मैं उसे बताऊंगा कि क्या करना है। अरे मदन भैया, हम मुखिया जी के पास आए हैं मदद मांगने, वही जाएंगे। अरे ऐसे कैसे, मैं गया तो गांव कौन संभालेगा, इस रामू को भेज देते हैं। अरे ओ मुखिया, पगला गया है क्या, भरी जवानी में मौत के मुंह में चला जाऊं? तुम सब छोड़ो, मैं चला जाऊंगा। देखो वो चुड़ैल अपना काम तभी करती है जब कोई सो रहा हो। आज तक कोई जगा हुआ इंसान उसका शिकार नहीं हुआ है ना। हाँ सो तो है। तो आज रात सभी को जागते रहना है, सिर्फ मैं सोने का नाटक करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। फिर मदन नकली चोटी लगाकर और साड़ी पहनकर पंचायत के चबूतरे पर ही सो गया। रात की 12 बजे चुड़ैल वहां आई। आज पूरे गांव में घुमाई, कोई सोया ही नहीं। तभी उसकी नजर चौक पर सोए मदन पर पड़ी। ये औरत यहाँ क्यों सोई है, लगता है घर में झगड़ा हुआ होगा। खैर मुझे क्या, मुझे तो बाल चाहिए। चुड़ैल ने चोटी काटने के लिए जैसे ही चोटी पकड़ी वो निकलकर उसके हाथ में आ गई। इसके लिए वो तैयार नहीं थी, इसलिए दो पल के लिए वो कभी चोटी तो कभी चाकू को देखने लगी। इसी समय का फायदा उठाकर मदन ने उसकी चोटी काट ली। पहले तो वो डर गई, फिर भी हिम्मत करके बोली, कौन है तू? बता कौन है तू, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। तेरी चोटी मेरे पास है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मदन उसकी चोटी दिखाते हुए हंसता है। मेरी चोटी दे दे, दे दे मेरी चोटी, मेरी चोटी दे दे। चीखते हुए मदन की तरफ बढ़ी। हाँ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अभी इसे जला दूंगा। नहीं नहीं ऐसा मत करना। नहीं करूंगा, पर एक शर्त पर। हाँ, मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है, बस ये चोटी दे दो। अभी नहीं, पहले ये बताओ तुम इन बालों का क्या करती हो? मैं इन्हें एक कुएं में डाल रही हूँ उसे भरने के लिए। वो क्यों? जब वो कुआं भर जाएगा तो मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। चलो वो कुआं मुझे दिखाओ, वहीं तुम्हें तुम्हारी चोटी दे दूंगा। चलो ये चोटी मुझे दे दो, इसकी मदद से हम जल्दी पहुंचेंगे। नहीं नहीं मुझे जल्दी नहीं, पैदल ही चलते हैं। वो मदन को लेकर चलने लगी और गांव वाले भी जलती हुई मशाले लेकर उसके पीछे पीछे आ गए। सब उसकी गुफा तक पहुंच गए जहां कुएं के अंदर उसने बाल जमा कर रखे थे। आधा कुआं तो भर गया है। देखो दिखा दिया ना, अब जल्दी से मेरी चोटी दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। कहते हुए मदन ने उसकी चोटी भी कुएं में फेंक दी। अरे बेवकूफ, ये क्या किया, अब मैं इतने बालों में से अपनी चोटी कैसे ढूंढूंगी? वो देखो बीच में पड़ी है। चुड़ैल कुएं में जाकर अपनी चोटी ढूंढने लगी। उसके कुएं में उतरते ही गांव वालों ने अपनी अपनी मशाले कुएं में फेंक दी। वो धू धू करके जलने लगा। अरे बचाओ रे कोई, मैं सबके बाल वापस कर दूंगी, बचाओ। साथ ही वो चुड़ैल भी जलकर भस्म हो गई। शिक्षा, अगर मिलजुल कर किसी समस्या का हल ढूंढा जाए तो समस्या अवश्य दूर हो जाती है।
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।